नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज पर। मैं आपके साथ विजय यादव। ब्लैक चांडिल नरगिसबाग तंग मार्ग में स्वेच्छा से युवाओं ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने को उद्देश्य से चांडिल गांव में स्वच्छता अभियान शुरू किया। चांडिल गांव के युवा स्वयं सेवकों ने कदम रखा और दुनिया में तेजी से फैलने वाले एक घातक वायरस कोविड-19 से लड़ने के लिए, किसी भी वायरस से मुक्त होने के लिए अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान शुरू किया। इन स्वयं सेवकों ने कोरोना वायरस के बारे में भी लोगों को विस्तृत जानकारी दी। आम जनता से अपील की गई है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें। स्वयं सेवकों को कोविड-19 और डोर टू डोर स्वच्छता प्रक्रिया के खिलाफ लड़ने के लिए 24 घंटे काम करना चाहिए। वायरस को क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिए साथ ही हर क्षेत्र के युवाओं से स्वेच्छा से खड़े होने की अपील की जाती है और लोगों को लॉकडाउन को कम करने की सलाह दी जाती है। और हर क्षेत्र को साफ करने के लिए सरकार हर तरह की मदद नहीं दे सकती है। हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि किसी भी वायरस या प्रदूषण से मुक्त और स्वच्छ सुरक्षित करें। अपने घर से एक युवा सूत्र हम सब डिवीजन तंग मार्ग में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। विशेष रूप से ब्लॉक चांडिल में हमने सभी युवा स्वयं सेवकों से अपील की कि वे कोविड-19 के खिलाफ लड़े और अधिकारियों द्वारा नियमों और विनियमों का पालन करें। प्रशासन इन स्वयं सेवकों की सराहना करता है जिन्होंने जागरूक लोगों के लिए एक पहल की और अपने गांवों में स्वच्छता अभियान शुरू किया। युवाओं ने सभी सामान्य सार्वजनिक संघ को आगे और स्वच्छ वातावरण की अपील की, फिर हम कोविड-19 के खिलाफ लड़ सकते हैं। जी, हमने एक एग्जाम लिया है अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन, जो हमारे विलेज कमेटी का चेयरमैन है छानलवानी गांव का, तो इसी की एडवाइस से हम सैनिटेशन ड्राइव पे चले गए वॉलंटियर्स गांव की विलेज कमेटी, जो कि हमें पता है कि आजकल गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती है, इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि अपने गांव को साफ सुथरा रखें और अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि आज कोविड-19 फैला हुआ है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें चली गई है, इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव अपने गांव में लिया है साफ सुथराई का। चाहिए कि वॉलंटियर अपने गांव में कमेटी खड़ा करे, क्योंकि मालूम है सबको कि आज गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती है, इसीलिए उनको भी चाहिए, हम ये मैसेज देना चाहते हैं आजकल के यूथ को कि आप भी अपने गांव को साफ सुथरा।